हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है पेंशनर्स के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। पेंशनर्स को सावधान होने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके बताऊंगा क्या अपडेट है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए पेंशनर्स को। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना, वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और पेंशन से संबंधित अगर आप रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। ये जो अपडेट निकल के आ रहा है, ये आ रहा है मध्य प्रदेश से। पेंशनर हाईटेक लुटेरों के निशाने पर, पीएफ कमिश्नर को भी आया फोन। तो मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में, इस न्यूज के बारे में। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से संचालित हाईटेक लुटेरों के गिरोह मध्य प्रदेश के पेंशनर को ऑनलाइन ठगी कर आसान शिकार बना रहे हैं। स्वयं को भविष्य निधि मुख्यालय यानी कि पीएफ का अधिकारी बताकर भरोसा दिलाते हुए ये लुटेरे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी अथवा पीएफ आदि का पैसा दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देते हैं। उनके दुशासन का अंदाज इस बात से लगता है कि उन्होंने भोपाल में पीएफ कमिश्नर को भी ठगने के लिए फ़ोन कर दिया। यह गिरोह अब तक मध्य प्रदेश के कई पेंशनरों के साथ ठगी कर चुका है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ कार्यालय में कुछ लोगों ने शिकायत की है। पूरे आत्मविश्वास और मीठी बातें करने में माहिर इन ठगों के पास विभिन्न राज्यों के पेंशनर्स और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का डेटा मौजूद है। फोन पर संबंधित व्यक्ति को नाम से संबोधित कर स्वयं को पीएफ मुख्यालय दिल्ली का अधिकारी बताते हैं। ये लोग संबंधित पेंशनर को उसकी फाइल का हवाला देते हुए कहते हैं कि आपकी ग्रुप इंश्योरेंस की फाइल रेडी है, 3-4 दिन में पैसा रिलीज करना है, 5,000 अथवा 7,000 रुपये नोएडा ऑफिस के बैंक अकाउंट में जमा कर दें। खाता नंबर, कार्यालय का नाम ईपीएफओ भविष्य निधि भवन बिकाजी रोड, इसी स्वयं का नाम, आईडी और फोन नंबर बताकर भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। है संबंधित व्यक्ति का पैसा उस खाते में जमा होते ही उनके नंबर नोट रिचेबल हो जाते हैं, बैंक खाता भी ट्रेस नहीं होता है। लुटेरे बेल व अन्य संस्थाओं को भी निशाना बना रहे हैं। यहाँ पे एक बात और देख सकते हो, यहाँ पे कितना, मतलब ये जो लुटेरे हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, कितने समझदार हो गए हैं, मतलब कितने आगे निकल चुके हैं कि भोपाल में ईपीएफओ के क्षेत्र कमिश्नर एस के सुमन बताते हैं कि उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने एस के माथुर के नाम से फ़ोन किया। उसने स्वयं को दिल्ली स्थित पीएफ मुख्यालय का सीनियर अकाउंटेंट बताते हुए झांसे में लेने की कोशिश की। कमिश्नर ने उसकी बातें सुनने के बाद कुछ पूछताछ की तो उसने बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी, पीएफ अकाउंट और ट्रांजैक्शन आईडी का नंबर भी बताया। कमिश्नर ने जब उसी नंबर पर पलटकर फ़ोन किया तो किसी महिला ने उठाया। ठगों को भी कुछ शक हुआ, उसके बाद फ़ोन नोट रिचेबल हो गया। कमिश्नर ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन ठगों के बारे में शिकायतें भी मिली हैं। मामला साइबर पुलिस थाने के हवाले किया जा रहा है। लगता है इन धोखेबाजों ने कॉल सेंटर खोल रखा है, टू कॉलर पर ईपीएफ लिखा आता है। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन ठगी की कराएंगे पड़ताल, ऑनलाइन ठगी के मामले की छानबान की जा रही है, पेंशनरों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें की जांच पड़ताल करेंगे। जो है स्पेशल डीजी साइबर मध्य प्रदेश के राजेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने ये बात बताई है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर पेंशनर्स हैं, आपको भी ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आपको भी इस तरह का कोई कॉल आ सकता है। आपको मैं बता देता हूँ कि ईपीएफओ जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कभी भी किसी अपने पीएफ अकाउंट होल्डर को, पीएफ मेंबर को फ़ोन नहीं करता, ना ही उनसे कोई डिटेल मांगता है, ओटीपी, बैंक डिटेल, पर्सनल डिटेल, केवाईसी, कोई भी डिटेल नहीं मांगता। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कॉल आता है तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आप इसे अगर सावधान हो जाते हैं समय से पहले तो आप इस बड़े नुकसान होने से बच जाएंगे। आपके पास भी कोई इस तरह का कोई कॉल आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना जो नाम, स्टेट का नाम है वो ज़रूर मेंशन करना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल के साथ।